एशिया के पुश्तैनी राजा खत्म हो गए या हो रहे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि उनकी जगह पर पलटनी राजा या पक्षों और दलों के राजा आ रहे हैं। तो एक तरह का राजा चला जाए और दूसरे तरह का राजा चला आए तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए बहुतों का दिल उखड़ रहा और खास तौर से जो अपने पड़ोस पाकिस्तान में हुआ उस पर बहुत से लोग सोच विचार कर रहे हैं। और ये रंगीन दुनिया या एशिया की हालत नए सिरे से उनकी आंखों के सामने आ रही। जो पाकिस्तान में हुआ वो इतना अनहोना नहीं, आखिर को किसी न किसी शक्ल में वही बात बर्मा में या चीन में या मिस्र में हो चुकी है। पाकिस्तान में पलटनी शासन कायम हुआ, वैसा तो एशिया के और इलाकों में भी हो चुका था। अगर पलटनी न सही तो किसी एक पक्ष का कि जिसमें बहस मुबाहसा वाद विवाद लोगों को आजादी के साथ बोलना या संगठन करना मुश्किल हो जाए। आखिर को बुनियादी बात जो पाकिस्तान में हुई वो ये कि वहां के लोग नाकाबिल हुए अपनी हुकूमत को खुद चलाने के लिए, और उन्होंने फैसला लेने की जिम्मेदारी बिल्कुल पूरी तरह से दूसरों पर छोड़ दी। आखिर चुनाव क्यों होते? जनता अपने आदमियों को चुनती है कि जिनको वो रोजमर्रा के फैसला लेने का जिम्मेदार बनाती है। लेकिन चुनते वक्त वो खुद जिम्मेदार होती है जनता कि कौन से धर्म के आदमियों को चुने, कौन सी बुनियाद, कौन से उसूल, कौन से सिद्धांतों वाले आदमियों को चुने, क्योंकि वो आगे चल करके फैसला लेंगे। और जब जनता फैसला लेने की इस बुनियादी जिम्मेदारी को छोड़ देती और चुनाव से भाग जाती और एक दफे में ही लोगों को, कुछ खास लोगों को, चाहे वो पलटन के हों चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, ये जिम्मेदारी सौंप देती है, तो इसके मतलब वो थक गए, वो इनकार करती है हुकूमत चलाने से, वो दूसरों को सौंप देती है। तो ये काम पाकिस्तान में हुआ। अब किसी तरह का काम रंगीन दुनिया में और जगह कम या ज्यादा हो चुका है, क्यों फर्क बहुत है। आखिर को चीन में जब एक पार्टी का एकाधिपत्य शासन कायम होता है और जब पाकिस्तान में पलटन की हुकूमत कायम होती है, दोनों में फर्क जरूर है और उस फर्क के काफी नतीजे निकलते हैं। मेरी राय में अगर एकाधिपत्य कायम करना ही है वो है बहुत बुरी चीज, कहीं ऐसा मत समझ लेना कि मैं उसकी कोई तारीफ कर रहा हूं, हर हालत में बुरी चीज है, उससे बुनियादी तौर पर और लंबे तौर पर कोई फायदा निकला नहीं करता। लेकिन पलटनी एकाधिपत्य से तो पार्टी का एकाधिपत्य अच्छा, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ही क्यों न हो। तो इस तरह से चीन में और पाकिस्तान में फर्क जरूर है, लेकिन वो बुनियादी बात कि जिससे जनता फैसला करने की जिम्मेदारी से हट जाती है वो तो एशिया के इन सभी इलाकों में देखी गई ना। और आप याद रखना कि अपने देश में भी वो बात हो रही है। ये एक अलग चीज है कि अभी तक वैसा शासन नहीं कायम हो पाया, कानून में वो चीज नहीं आई, लेकिन दिमाग में और आत्मा के हिसाब से वो चीज आ गई। जबकि मौजूदा शासक लोग
हिंदुस्तान के बार बार हर एक तर्क को ये कहकर खत्म कर देते कि ये तर्क तो ध्वंसात्मक है, नकारात्मक है, इससे कुछ निकलता नहीं है, रचनात्मक तर्क करो, तो इसके मतलब कि वो बहस को खत्म कर देना चाहते हैं। जनतंत्र में ये जरूरी है कि बहस का ईमानदारी से सामना किया जाए। कोई आदमी या पक्ष एक बात कहे तो उसकी बात ईमानदारी से समझ करके उसके खिलाफ जो कुछ कहना हो कहा जाए। लेकिन आज दिल्ली के हाकिम लोग ऐसा काम नहीं करते। अगर कोई बात कही जाती है, उनको नापसंद होती है, तो उससे वो बहस नहीं करते। वो सब से कह देते हैं ये बात तो ध्वंसात्मक है, ये तो बिगाड़ने वाली है, ये तो नकारात्मक है, और एक ऐसा जाल फैला देते हैं कि जिससे लोगों के मन पर ये असर पड़ जाए कि जो दिल्ली की हुकूमत के खिलाफ बात कहता है वो बाजी है या खराब है या और कोई ऐसा, तो उसमें बहस फिर नहीं हो पाती। और जहां बहस की बुनियाद खत्म हो गई वहां जमहूरियत अपने आप खत्म हो गई। उसके अलावा जो चारों तरफ आवाज उठती रहती है कि सब पार्टियां इकट्ठा होकर काम करें, वो भी जमहूरियत को खत्म करने वाली चीज। और उसी तरह से ये आवाज थी कि पार्टियां बिल्कुल न रहें, सब पार्टियां मिलकर काम करें या कोई पार्टी बिल्कुल न रहे, आखिर इसका नतीजा क्या निकलता है? यही ना कि बहस मुबाहिसा न हो। और बहस में ये सही बात है कि झंझट बहुत हुआ करती। कभी कभी मेरे जैसे आदमी को कि जो बहस को पसंद करता है उलझन हो जाती, घबराहट होती है, बुरा लगता है, तबीयत होती है कि सर माल तो क्या बैठे लेकिन उठ के भाग जाए या कुछ कर बैठे, क्योंकि बहस है ही एक ऐसी चीज। लेकिन जो जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उन्हें ऐसी उलझन को दबा करके बहस का सामना करना चाहिए। जब सब पार्टियां एक हो जाए तो ये नतीजा निकालना चाहिए कि या तो ये पार्टियां अपनी बुनियाद में बेईमान है और इन्होंने अपने नेतृत्व को कायम करने के लिए अलग अलग दुकानें खोल रखी, लेकिन होना चाहते हैं आपस में बहस खत्म करना चाहते हैं। या जब कहा जाता है कि कोई पार्टी न रहे तो बिल्कुल साफ तौर से एक बात सामने आ जाती है कि अब जो पार्टियों की आपसी बहस है, और सिर्फ बहस ही नहीं, उनका जो आपसी व्यवहार है, बर्ताव है, कभी कभी उसमें लड़ाई भी आ जाती है। जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई ईंट पत्थर की हो, लेकिन आप जानते हो कभी कभी वो ईंट पत्थर की भी हो जाती, जनता की तरफ से ईंट पत्थर और सरकार की तरफ से गोली। तो लोग इतना घबरा जाते हैं कि सोचते हैं कि भाई ये पार्टियों का सारा मामला ही अगर खत्म हो जाए तो किसी तरह से पिंड छूटे और शांति मिले। तो ये हवा आज अपने मुल्क में भी चल पड़ी। ये सही है कि ये सिर्फ हवा है, अभी तक आत्मा और मन के ऊपर इसका असर पड़ा, अभी तक ये कानून नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी हमको सावधान तो हो जाना चाहिए ना। अपने पड़ोस में जो खतरा हो उठा है वो शरीर के हिसाब से तो ठोस रूप में तो अभी हमारे देश में नहीं आया उतना साफ, वो कि मैं अभी बताऊंगा कि कुछ थोड़ा बहुत तो आ चुका है, लेकिन आत्मा के रूप में तो बिल्कुल साफ आ गया। जब लोग कहते हैं, और याद रखना हिंदुस्तान का राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला ये बात कह चुका, प्रधानमंत्री ज्यादा चतुर, इसलिए वो ऐसी बातें खुल्लम खुल्ला नहीं कहा करता, लेकिन राष्ट्रपति कह चुका कि हिंदुस्तान में बालिग वोट खराब, गरीब और बेपढ़े लोग उसका इस्तेमाल ठीक नहीं कर पाते, और ये आवाज कम या ज्यादा बहुत से लोगों ने उठाई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गरीब और बेपढ़ों को जितना ज्यादा बालिग वोट की जरूरत है उतना अमीर और पढ़ों को नहीं है, क्योंकि उन बिचारों के हाथ में यही तो एक हथियार रह जाता है। हो सकता है कि कभी वो उसका बुरा इस्तेमाल करें, हो सकता है कि बहुत दिनों तक उस हथियार का मतलब ही ना समझे, जैसा कि अभी अपने मुल्क में हो रहा है। तब पूछो तो मेरे जैसे आदमी को बालिग वोट पर वक्ती तौर पर गुस्सा करना चाहिए कि बालिग वोट के होते हुए भी आज हिंदुस्तान की जनता ऐसी दकिया रूपी या खराब पार्टियों को समझ किया जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मुझको यकीन है कि ये हथियार जनता के हाथ में कभी न कभी अपना रंग दिखाएगा, चाहे 10 बरस हो, 50 बरस हो, 40 बरस हो,
और खास तौर से हिंदुस्तान की धर्म की चर्चा, जो गरीब जो बेपरी है, जो सदियों से जातपात के नाम सभी हुए। और जब मैं जातपात कहता हूं तो याद रखना कि मेरा मतलब सिर्फ हिंदू जातपात से नहीं, मुसलमान जातपात से, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं में ऊंची जात होती है बढ़िया पावन, उसी तरह से मुसलमानों में भी शेर सैयद होते हैं, और जिस तरह से हिंदुओं में अहीर या जमार होते हैं उसी तरह से मुसलमानों में भी अंसार और किलाए होते हैं। ये मछली तो कहती है वही करती है। अच्छा, तब बालिंग वोट के आते ही जो सदियों से करोड़ों लोग दबे हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि 40 करोड़ में 30 करोड़ के दबे हुए लोग नबी हुई जाते हैं जबल की जाना है। इन लोगों को एक जबरदस्त हथियार हाथ मिल जाता है जिसका कि वो कभी न कभी इस्तेमाल करें, थोड़ा बहुत आज भी करने लगे, खासतौर से गांव पंचायतों में। तो जो सभ्य लोग हैं, बर्ताव में अच्छे लोग हैं, नीचे लोग हैं, सदाचारी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं बात बदल जाए, क्योंकि जाहिर है कि बालिग वोट से कभी कभी, बल्कि यूं कहिए मैं तो कहूंगा कि अक्सर ही खतरा रहता है कि गरीब और बेपरे लोगों में से कोई हिस्सा गांव पंचायत का या जिला पंचायत का या असेंबली का नुमाइंदा बन बैठे, वो बन बैठता, और फिर जो जो जरा सभ्य लोग उनको बुरा लगता है, देखो कैसे जंगली लोग MLA बन गए और MP बन गए या गांव पंच बन गए या जिला पंच बन गए, ऐसा उनको एक बुरा समझने लग जाता है। और फिर उस वक्त उनके मन में होता है कि अगर बालिग वोट न हो तो क्या, जो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो मिल जाए वो अच्छा, या कम से कम गांव और जिले के चुनाव में जो पार्टियां एक दूसरे से लड़ती हैं वो अपना लड़नापन करने वाले व्यक्ति लोग आ गए। तो ये सब चीजें शुरुआत है उस काम की जो आखिर में जाके मिर्जा साहब की, पाकिस्तान के जनरल मिर्जा साहब या समझो इंडोनेशिया के सभापति जो कार्य सकल नेता शुरुआत में हो जाती है। इस संबंध में मैं केवल इतना ही आपसे कह दूं कि हिंदुस्तान में जात पात के मिटने का अगर मुझको आज भरोसा हो गया है तो सिर्फ इसलिए कि ये बालिग वोट का हथियार अपने हाथ में है। हो सकता है इसमें देर लगे लेकिन एक भरोसा हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ जब मैं देख रहा हूं कि अप्रत्यक्ष चुनाव और अपक्ष लोकशाही वगैरह की बातचीत चल पड़ी है तो मुझे एक डर सा लगने लगता है कि अगर कहीं ये बालिग वोट का हथियार हाथ से निकल गया तो फिर जो मैंने शुरू में कहा कि पुश्तैनी राजा तो खत्म हो रहे हैं लेकिन उनकी जगह पर बलचनी राजा या पार्टियों के राजा आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आप अपक्ष लोकशाही की जब बात सुनते हो तो ध्यान रखना कि आखिर को ये पक्ष अपक्ष क्या चीज है, तर्क वितर्क बहस, एक बात कही उसके खिलाफ दूसरी बात कही गई, ये जितनी चीजें एक जमहूरियत में या वाद विवाद में होनी चाहिए उस पक्ष विपक्ष को खत्म करके जो पाकिस्तान में हुआ उसे सीधे तौर पर अपक्ष लोकशाही का निर्माण कहा जा सकता है। ये सही है कि लोकशाही के कहने से बहुत से लोग ताज्जुब करेंगे कि आखिर इसको लोकशाही कैसे किया जाए, तो तानाशाही है। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जब से कुछ शब्द निकले हैं कि वो पूर्वी यूरोप में या चीन वगैरह मुल्क में जनता की लोकशाही कायम हो गई, या समझो इंडोनेशिया में नियंत्रित लोकशाही कायम हो गई, तब से लोकशाही का अर्थ ही बदल गया है और अब हमें लोकशाही के सिर्फ शाब्दिक प्रयोग पर नहीं जाना चाहिए बल्कि देखना चाहिए कि उस शासन में क्या बहस मुबाइजा पक्ष और दूसरा पक्ष एक बात और उसके खिलाफ बात कहने की आजादी है, सुनने की आजादी है और उसके ऊपर फैसला करने की जिम्मेदारी जनता अपने ऊपर अभी भी ओढ़े हुए उस जिम्मेदारी को छोड़ करके किसी मिर्जा साहब या और किसी साहब को, नेहरू साहब भी आप ले दो, सौंपना नहीं चाहती। एक मानी में दिमागी तौर पर हिंदुस्तान की जनता भी बहुत हद तक फैसला लेने की जिम्मेदारी नेहरू साहब पर सौंप चुकी है, ये तो बिल्कुल साफ आप देख रहे हो दिमागी तौर पर। ये दूसरी बात है कि कानून में वो चीज अभी नहीं आई, तो इसलिए पाकिस्तान के मसले पर सोच विचार करते हुए
हमको देखना है कि सारे एशिया में जितने भी रंगीन मुल्क हैं वहां हिंद एशिया के जकार्ता से लेकर और मिस्र के काहिरा तक, क्या जकार्ता में, क्या काहिरा में, क्या पीकिंग में, क्या रंगून में, सब जगह लोकशाही को एक या दूसरे रूप का खतरा हो चुका है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में भी रूहानी खतरा तो सामने आ गया है, यद्यपि लोकशाही अभी अपने कानूनी शक्ल में यहां पर मौजूद है। तो अब इसके ऊपर सोच विचार करो, ये क्यों होता है एशिया में? रंगीन मुल्कों में खास तौर से क्यों होता है? क्यों हम लोग नाकाबिल साबित होते हैं? क्यों हम लोग अपनी हुकूमत नहीं चला पाते? क्यों हमें अपनी हुकूमत या तो किसी पलटन के हाथ में छोड़नी पड़ती और पलटन के जनरल के हाथ में, या किसी पार्टी को दे देनी पड़ती कि भाई हुकूमत चलाओ? ऐसा क्यों होता? तो इसके ऊपर आप लोग अच्छी तरह से सोच विचार करना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी बुनियाद में एक बड़ा कारण है, और वो ये कि रंगीन दुनिया एशिया और अफ्रीका के सामने भी ये सवाल आएगा, ये सब यूरोप वालों के जैसा होने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जैसी दौलत और उनकी जैसी ताकत और उनकी नकल कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके जैसे उनके बराबर तभी होंगे जब उनकी नकल करेंगे। अब यूरोप और अमेरिका ने तो 300 बरस में अपनी दौलत के यंत्र और मशीन इकट्ठा किए, आबादी वहां की भी बढ़ी, बल्कि कुछ लोग जब आपसे कहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्कों की आबादी बहुत बढ़ रही, तो मैं आपको एक चेतावनी दे दूं कि गोरे लोगों की आबादी हमारे मुकाबले में ज्यादा रफ्तार से बढ़ती, लेकिन उनकी आबादी जब पिछले 300 वर्षों से लगातार बढ़ती रही है, तो उसी के साथ साथ उनकी मशीनें भी लगातार बढ़ती रही और उन्होंने बाकी दुनिया का बहुत सा दौलत लूटा। और हम लोग रंगीन लोग पिछले 300 बरस में आबादी में बढ़ते रहे, लेकिन हमारी खेती और कारखाने या तो जैसे थे वैसे ही रह गए, या बहुत जगह पर और बहुत बहुत अहम दिशाओं में तोड़ दिए गए, क्योंकि आखिर को इन गोरे लोगों को हमें लूटना और चूसना था। तो हमारी दौलत बढ़ने के बजाय सिकुड़ती चली जाती। जब मैं ये कहता हूं तो ये हिंद एशिया और चीन और बर्मा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान और मिस्र सबके लिए लागू। मैं इतना ही आप याद रखना कि दुनिया में दो सबसे भूखे देश मिस्र और हिंदुस्तान, और ये जितने और मैंने गिनाए वो भी करीब करीब वैसे ही हैं। अच्छा, तो ये रंगीन दुनिया जहां आबादी ज्यादा है और जहां मशीनें बहुत कम है, यूरोप को देखती, उनकी दौलत देखती, उनके बम देखती, उनके स्पुतनिक देखती है, या जो अभी आपने सुना होगा कि एक अग्निबाण चंद्रमा की तरफ भेजा गया, तो एक तरफ दूध और दूसरी तरफ तलवार, दोनों की शक्लें देख करके हम लोगों को चिढ़ होती है, साथ साथ तबीयत होती है कि इन गोरों की नकल करें और हम भी उनके जैसे ताकतवर बने। ताकतवर दोनों बातों में, दौलत में भी अपनी जनता को खुश करने के लिए, उनका रोटी कपड़ा अच्छा करने के लिए, और उसके साथ साथ लड़ने भिड़ने की ताकत में भी। और एक बिल्कुल स्वाभाविक तबीयत है सबकी, सारे रंगीन इलाके में मिस्र पाकिस्तान से लेके जकार्ता और पीकिंग तक ये तबीयत है। लेकिन अब इस तबीयत को पूरा कैसे किया जाता है? नकल कर, यूरोप की नकल करो, अमरीका की नकल करो, उनके जैसे बड़े बड़े कारखाने बनाओ, उनके जैसे खेती और कारखानों को यहां कायम करो। और उसी के साथ साथ एक दूसरी तबीयत भी होती कि जिस तरह से यूरोप और अमरीका वाले रहते हैं, जैसा खाना खाते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे मकानों में रहते हैं, वैसे यहां भी बनाओ। क्योंकि जब आधुनिककरण की तबीयत हो जाती है आदमी की या कौम की, तो फिर नकल करने की बात तो पूरी आ जाती है ना सामने। हम नए बने, पुराने देश दरिद्र देश हैं, खराब देश हैं, हम नए बने। नए बनने का मतलब जैसे यूरोप और अमरीका वाले हैं वैसे बने, तो फिर जाहिर है कि एक तरफ तो हम अपने खेती कारखानों को सुधारना चाहते हैं,
दौलत की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उस बढ़ी हुई पैदावार में से जो नए ढंग की खपत यानी नए ढंग के मकान, नए ढंग का भोजन, नए ढंग की सड़कें, नए ढंग के ऐश आराम, इनको भी अपने मुल्क में लाना चाहते हैं। तो अब ये दोनों चीजें जरूर अपने दिमाग में रखना कि नए ढंग की पैदावार और नए ढंग की खपत, इसकी तबीयत हो जाती है। अच्छा, फिर जब ये कोशिश हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बर्मा, चीन जैसे मुल्कों में होने लगती है तो एकदम सामने रुकावट आ जाती, बिल्कुल दीवार आके खड़ी हो जाती कि नहीं, तुम तो ये कर नहीं सकते। 40 करोड़ आदमियों को बिल्कुल आधुनिक ढंग के पैदावार के साधन देना या आधुनिक ढंग के मकान और खपत देना, ये नामुमकिन बात है। पर पाकिस्तान के 8-10 करोड़ आदमियों को नए ढंग के मकान या नए ढंग की खपत और नए ढंग के कारखाने और खेती दे देना बिल्कुल नामुमकिन है। ये हर मुल्क में एक दीवार सामने आ खड़ी होती। तो हरेक मुल्क के नेता और साफ तौर से सरकारी नेता, जो देखा जाए तो सब पार्टियों के नेता फिर फैसला करते हैं कि जब सबको नहीं दे सकते तो कुछ को दिया जाए। 40 करोड़ को नहीं दे सकते तो 10 लाख को दो, 50 लाख को दो, 80 लाख को दो। सब मुल्क को नहीं दे सकते तो कुछ इलाके को दो। 6 लाख गांव को नहीं दे सकते तो शुरू में 6,000 गांव को दो। और एक भरोसा रहता है, आशा रहती है कि हम धीरे धीरे इसी तरह से तादाद बढ़ाते चले जाएंगे। पहले कुछ गांव को लेंगे, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ और को, फिर तीसरी में कुछ और शायद 150-200 बरस के बाद हिंदुस्तान या पाकिस्तान, बर्मा या चीन के सभी गांवों को आधुनिक बना देंगे और जनता के सभी तबकों की आधुनिक खपत कर लेंगे, यानी उनके मकान और उनके रहने सहने और खाने का ढंग नया बना देंगे। तो इस इरादे से इन रंगीन मुल्कों के नेता आगे बढ़ते हैं, आधुनिकरण करो, पैदावार कर और खपत कर। लेकिन फिर इसमें दिक्कतें पैदा होनी शुरू होती, क्योंकि जब समझ लो 39 करोड़ 50 लाख आदमी देखते हैं, और कौन से 39 करोड़ 50 लाख? जो गरीबी के दलदल में धंसे हुए हैं, जिनको खाना तक नहीं मिलता, जो एक एक कोठरी में 5-5 10-10 20-20 आदमी रहते हैं, जो कोठरियों के ऊपर भी क्या कहते हैं उसे पारी चलाते हैं, जैसे कारखाने में पारी होती है ना कि सुबह की पाली और शाम की पाली, इसी तरह से कोठरी के ऊपर भी जो पाली चलाते हैं, तो उनको तेलुगु में क्या बोलते हो? वंतु। अच्छा चलो, वंतु, जो कोठरी के ऊपर वंतु चलाते हैं जैसे कारखाने में वंतु चलती है, तो उनको ऐसे 39 करोड़ 50 लाख को जब देखने को मिलता है, बाकी जो 50 लाख है उनके मकान, उनके भोजन और उनके बढ़ते हुए मकान, अच्छे होते हुए जिनमें नए ढंग की मशीनें लगती हैं, सब तरह की, तो उनको जलन होना स्वाभाविक है। और फिर आप देखोगे कि इस इलाके में जब क्रांति होती है तब किताबें लिखने वाले कहा करते हैं कि वो पुराने शासक लोग तो बड़े भ्रष्ट थे, जब क्रांति हो जाती, लेकिन जब तक नहीं होती तब तक कहते हैं कि ये शासक लोग अपने मुल्क को आधुनिक बना रहे हैं। ये किताब लिखने वाले और पढ़े लिखे लोगों की आप एक आदत जरूर देखना कि जब तक कोई शासक पर अपने मुल्क में ताकतवर है तब तक तो ये लोग लिखा करते हैं कि वो अपने मुल्क को आधुनिक बना रहा है, लेकिन जब वो इंकलाब में उठा के फेंक दिए जाते तब लिखना शुरू करते हैं, यार वो तो बड़े भ्रष्ट थे, अपने मकान बढ़िया बना रहे थे, नई नई मशीनें लगा रहे थे। तो हर हालत में ये सवाल शायद आपके सामने अब आ गया होगा कि आखिर है क्या कि पैदावार और खपत का आधुनिककरण करते वक्त आजादी का एक हिस्सा और अपने क्षेत्रफल का, इलाके का एक हिस्सा तो आधुनिक बनता है और बाकी हिस्से उसी पुरानी गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं, तो उसमें एक इंकलाबी हालत हमेशा बनी रहती है, उसे छुटकारा हो नहीं सकता। और जब वो इंकलाबी हालत बनी रहती है
टूट फूट होती है, पत्थरबाजी होती है, हमेशा तू तू मैं होती है, बहुत जोर की गर्मा गर्म बहस चल जाती, तब इंसान ये चाहता है कि भाई इसको खत्म करके किसी तरह से पिंड छोड़ो, कोई पार्टी का राज कायम हो, कोई पलटन का राज कायम हो, कोई नेता आए बचाए, तो ये हालत पैदा हो जाया करती। अच्छा, तो इस संबंध में एक चीज आप याद रखना कि जो मैंने अभी अभी सरकारी पार्टियों के लिए कहा वो कम या ज्यादा गैर सरकारी पार्टियों के भी लागू है। रंगीन इलाकों में सब पार्टियां, सब राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सरकारी हो और चाहे गैर सरकारी हो, उनकी तबीयत यही आधुनिकीकरण वाली है। अब जैसे यहां की आप कांग्रेस पार्टी ले लो और कम्युनिस्ट पार्टी ले लो, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन दोनों की तबीयत एक कि मुल्क को आधुनिक बनाओ, इस पुराने मुल्क को नया बनाओ, और कैसे, यूरोप और अमरीका की नकल करके उनके कारखाने और खेती को यहां लाके। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि जहां कांग्रेस पार्टी वाले 10 बंबई बनाएंगे, वहां कम्युनिस्ट पार्टी वाले शायद 15 बंबई बना लें उतने ही अरसे में। ये सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले कुछ शायद ज्यादा दबाव डालेंगे और दमन करेंगे कुछ ज्यादा, क्यों दोनों दमन कर रहे हैं, कहीं गलती ना हो जाए। तो 10 और 15 का फर्क होगा कि आधुनिकीकरण करने में कांग्रेस वाले तो 10 बंबई बना पाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी वाले 15 बंबई बना लेते हैं, लेकिन बाकी जो 6 लाख गांव हैं उनके मामले में और बंबई में भी जो गरीब मोहल्लों में रहने वाली गरीब जनता है उस मामले में दोनों नाकाबिल रहेंगी, क्योंकि आधुनिकीकरण को कर ही नहीं सकते, उतनी दौलत नहीं इकट्ठा नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती, टैक्स नहीं आ सकती, इसलिए एक ही हिस्से का आधुनिकीकरण होगा। और उसी में से ये मिर्जा साहब जैसे, अब इनको हम क्या कहें, ताकतवर लोग हैं, अभी मुंह में से एक शब्द निकलने वाला था, कीड़े निकला करते, लेकिन आखिर ये रंगीन दुनिया के कीड़े निकलेंगे जब तक ये आधुनिकीकरण का ये सिलसिला रहा। अच्छा, अब इस बुनियादी सवाल को अगर हमने समझ लिया तो फिर एक तो प्रश्न उठता है कि क्या कोई दूसरा तरीका है आधुनिकीकरण, क्योंकि पुराना तो हमको रहना नहीं, गरीबी के दलदल से हटना है, उसको काटना, तो क्या और कोई तरीका है, तो उसके ऊपर आप सोच विचार करो। पहले मैं खाली कुछ मिसालें आपको दे रहा हूं हिंदुस्तान से कि किस तरह से आधुनिकीकरण के इस तबीयत ने और इस काम ने हमारे यहां भी बहुत तनाव और टूट पैदा कर दी है, और उसी तरह से खपत का आधुनिकीकरण कुछ हिस्सों में हो रहा है जिसके कि नतीजे आगे चल करके कभी खतरनाक निकल सकते हैं। अब मैं मिसाल के लिए आपको बताऊं, जो अपना प्रजातंत्र है उसका सभापति कुछ ही दिनों में एक ऐसी रेलगाड़ी में घूमेगा जो कि स्विट्जरलैंड से बन के आई और जिसका किताब मुझे बताया गया 10 लाख रुपया है एक डब्बा जो उनके लिए बनवाया गया। और तुलना के लिए आप अपने डब्बों की कीमत याद रखना, जो तीसरे दर्जे की एक पूरी गाड़ी होती है उसमें मुझे बताया गया कोई 7-1 हजार रुपए का खर्चा होता है, और मामूली तरह के पहले दर्जे के डब्बे पर कोई 10-12 हजार रुपए का खर्च होता है, और जो राष्ट्रपति के लिए खास रेलवे की गाड़ी बन के आई है उसका उसकी कीमत बैठी है 10 लाख रुपए। तो आप देख लेना खपत की आधुनिकीकरण के कहां नतीजे निकलते। अब मुझे इस पर कुछ नहीं कहना कि अमेरिका या रूस वाले कैसा खर्चा करते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि रूस या, और इस मामले में कम्युनिस्टों के लिए मुझे इतना जरूर कहना पड़ेगा कि खपत के आधुनिकीकरण के मामले में वो इतना गिरे हुए नहीं है जितना कि गैर कम्युनिस्ट है, क्योंकि पैदावार के आधुनिकीकरण के मामले में वो और भी ज्यादा गिरे हुए हैं। हमको सच्चाई का सामना करना चाहिए, इसलिए मैंने पूरी बात आपके सामने रख दी। खैर, हर हालत में आप इस राष्ट्रपति के रेलगाड़ी वाली बात याद रखना। अच्छा, उसी तरह से आप में से जो लोग हफ्तेवार चौखंबा को पढ़ते होंगे और जो नहीं पढ़ते उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरें आपको हिंदुस्तान के और किसी अखबार में नहीं मिलेगी। उन्हें मालूम होगा
कि किस तरह से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अब की बार अपनी छुट्टियां मनाते वक्त कम से कम तो 10-15 लाख रुपया खर्च करके आई है, और उनका खुद का नहीं, जो कि लोकसभा में उन्होंने ये जरूर कहा कि वो अपना खुद का रुपया खर्च करके आए हैं, लेकिन आप जानते हो कि जब मुफ्त का रुपया खर्च करने को मिलता है तो फिर झूठ भी उसके साथ साथ आ ही जाया करती। तो कम से कम 10-15 लाख रुपया खर्च हुआ, मुमकिन है ज्यादा खर्च हुआ, और वो पूरे सबूत देकर के चीज छपी। उसकी तफसील मैं आपसे यहां पे नहीं कहूंगा, खाली इन दो मिसालों से एक बात तो साफ हो जाती है कि किस तरह से एक मुल्क जहां पर कि अकाल की हालत में 4 करोड़ आदमियों को 2 दिन में 1 दफे रोटी भी न मिल रही हो, 2 दिन में 1 दफे, वहां पर कुछ तबकों के खपत का आधुनिककरण इतना ज्यादा हो जाए कि रेलगाड़ी 10 लाख रुपए में बने और एक छुट्टी 20 लाख 15 लाख रुपए के खर्च की हो, तो ये हो जाया करता। और जब मैंने इन दोनों का आपको जिक्र सुनाया तो जाहिर सी बात है कि उसी तरह की नकल फिर और लोग भी करने लग जाते, और हरेक अपनी हैसियत के मुताबिक उतना अपने को आधुनिकीकरण करने बैठता और खर्चा फिर बढ़ जाता। अच्छा, तब साथ ही इसके नतीजों पर भी गौर करना। एक तरफ तो गरीबी के नतीजे, मौत के नतीजे या आधी मौत के नतीजे, और दूसरी तरफ जो मन टूट जाता है और मन टूटने के कारण जो राजनैतिक नतीजे आ जाया करते हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान देना। ये सही है कि अभी अपने मुल्क में थोड़ी बहुत बोलने, सभा करने और संगठन करने की आजादी है, उससे इनकार भी नहीं करना चाहिए और उसको दुत्कारना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़ी चीज, और अगर ये जमीन हमसे छिन जाती है तो फिर अंधेरा पूरा हो जाता है। लेकिन जहां इस बात को समझ गए वहां हमें यह भी जानना चाहिए कि कितनी जमीन अभी हमसे छिन चुकी है, नहीं तो जो जमीन बाकी रह गई है कहीं वो भी ना और छिन जाए, तो कितनी छिन चुकी इसके ऊपर आप ध्यान देना। कुछ तो आपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा का हाल सुना होगा। विधानसभा आखिर है क्या चीज, जहां लोग अपनी सार्वभौम शक्ति को, अपनी सबसे बड़ी ताकत को दिखाते हैं, बटोर करके रखते हैं, वहीं से राज चलाते हैं। जिस तरह से मंदिर का कोई एक हिस्सा मूर्ति वाला होता है या मस्जिद का कोई एक हिस्सा सबसे ज्यादा पाक होता है, उसी तरह से लोकतंत्र में सबसे पाक जगह वो है जहां पर कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को इकट्ठा करके राज के बारे में बहस मुबाहिसा करती है। इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, सबसे पवित्र जगह। और क्या कर रही है ये सरकार उसके बारे में, दींगा मुश्ती मार पी लड़ाई, यहां तक कि बंदूक वाले पुलिस को भी भेज करके वहां चुने हुए प्रतिनिधियों को जबरदस्ती बाहर निकालती और मारपीट करके, जूतों की और कुंदों की मारपीट करके ये चीज हो चुकी। इस बहस को ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है कि आखिर अध्यक्ष या स्पीकर अपना कामकाज कैसे चलाए। हिंदुस्तान में अखबार और पढ़े लिखे लोग तो हमेशा, न जाने क्यों हमेशा, और खैर सबब तो साफ ही है आप जानते ही हो, जो ताकत है उसका रूप ले लिया करते हैं, उसकी तरफ से सवाल पूछते हैं कि भाई सभा चल कैसे पाएगी अगर सभापति का हुक्म नहीं मानोगे। तो फिर सवाल उठता है कि सभापति अगर कायदे कानून के मुताबिक न चले तो सभा कैसे चल पाएगी, ये तो सवाल पूछना चाहिए ना भाई। आखिर लोकसभा बनाई किस लिए गई, विधानसभाएं बनाई किस लिए गई। अब आप आंध्र वाले भी इस बात पर सोच विचार करना कि यहां की जो विधानसभा है और उसी तरह से उत्तर प्रदेश की विधानसभा साल भर में कई महीने बैठती,
चार महीने, पांच महीने, इससे ज्यादा नहीं ना। यहां पर 3 करोड़ आबादी की नुमाइंदा सभा, उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ आबादी की नुमाइंदा सभा, जो अपनी जनता के दुख दर्द तकलीफ अरमान सपने सबके ऊपर बहस करने की जगह साल भर में कुल 4 महीने 5 महीने बैठती, फिर उसके बाद हमेशा सरकारी अध्यक्ष की तरफ से कह दिया जाता है कि वक्त नहीं है, ये सवाल पूछा नहीं जा सकता, वो मुलतवी करने का प्रस्ताव नहीं आ सकता, समय नहीं है, काम बहुत बाकी रह गया। तो फिर सबसे पहला सवाल ये उठता है कि अगर काम इतना ज्यादा है और अगर वक्त इतना कम है तो फिर साल भर में 10 महीने क्यों नहीं बैठते हो, ये सवाल कहीं नहीं उठाया गया। लेकिन आप देखो कि कितना बड़ा ये सवाल है कि फिर साल भर में 10 महीने क्यों नहीं बैठते हो भाई। इसी तरह से और सवाल उठते हैं कि क्या चीजें आनी चाहिए, क्या नहीं आनी चाहिए, कौन से सवाल उठे, क्या पार्लियामेंट्री यानी लोक संसदीय पद्धति के मुताबिक है, क्या अनपार्लियामेंट्री है, ये सारे सवाल भी उठते हैं जिनके ऊपर फैसला करना चाहिए। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह सकता हूं कि 3 अध्यक्षों ने, एक तो लखनऊ के अध्यक्ष, 2 दिल्ली वाले अध्यक्ष, 3 अध्यक्षों ने इतना गलत काम किया है, इतने गलत फैसले दिए, इतने 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 एक उसको हम क्या कहें, शायद वो सत्यता को नहीं, ये नहीं कि कोई मुझे वो शब्द नहीं मिल रहा है लेकिन उससे और कड़ा मैं जंगली तक कह पाता हूं, लेकिन सर पूछो तो कुछ और होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ सोच रहा था, क्योंकि ये जंगली तो जंगली जानवर भी आगे कुछ कायदे कानून के मुताबिक चलता। मैंने देखा, मैंने कई दफे देखा भी है और सुना भी है कि जंगली जानवर भी बच्चे पर हमला नहीं किया जाता है साधारण तौर पर, लेकिन अभी मैं इन लोगों को जंगली कहना चाहता था, लेकिन ये तो जंगली से भी आगे चलेगा इसलिए कोई शब्द उसके लिए ढूंढ रहा था कि ये लोग कौन है। क्योंकि देखो आप, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के, उन्होंने एक मुंह से तो कह दिया कि लखनऊ की बातों पर दिल्ली में बहस नहीं हो सकती, और ठीक उसके कुछ घंटों के बाद खुद फरमान निकाल डाला कि लखनऊ में जो हुआ वो तो बड़ी गंदी चीज थी और बड़ा वैश्याना बर्ताव था और राज नारायण ने तो बहुत बुरा काम कर दिया और पुलिस तो और कुछ कर ही नहीं सकती थी। अब भला बताओ, अगर उस पर बहस नहीं हो सकी तो तुम अपनी राय क्यों देने बैठते हो। अब मोदी अकल की बात है, लेकिन ये सब काम वो करते थे। तो है अब ये सारे संसदीय पद्धति पर भी कम से कम जनता को सोचना है। अब सोचिए कि मेरे जैसे लोगों की बातें तो अखबारों में नहीं छपेंगी, इसलिए इसी तरह की सभा या जो चौखंबा जैसे अखबार हैं उन पर आपको ज्यादा दिलचस्पी लेना चाहिए। अच्छा, तो लोकसभा या विधानसभा अक्सर मैं कह चुका हूं एक शीशा आईना कि जिसमें जनता अपने चेहरे को देख सके, उस चेहरे पर किस वक्त कौन सी सिकुड़ने हैं, कौन सी आफत है, कौन सी तकलीफ है, कौन से अरमान है, कौन से सपने हैं, ये सब उस शीशे में देख सके। ये जितने अध्यक्ष हैं उस शीशे को ढांप करके रखना चाहते हैं या उसको गंदा हो जाने देना चाहते हैं, उस पर धब्बा पड़ देना चाहते हैं, लेकिन राजनारायण सिंह जैसे आदमी हैं जो उस शीशे को साफ रखने के लिए कोशिश करते हैं। तब उन पर क्या होता है वो आपने सुन लिया होगा, कुंडों से मारना, जूतों से मारना। राजनारायण सिंह के ऊपर जो कि विधानसभा का सदस्य है, पुलिस वाले अपने जूतों समेत छाती पे चढ़ गए थे, ये सब बातें हुई। अब मुझे आपको ये 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 बयान सिर्फ नहीं देना कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है, वो कि ये जरूरी है जानने के लिए कि आखिर जो जनरल मिर्जा साहब ने पाकिस्तान में कर लिया वो एक दिन में तो नहीं हुआ करता ना, वो तो धीरे धीरे होता है, तो उसकी पहली सीढ़ियां पहली शुरुआत तो अपने मुल्क में हो चुकी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे दूसरी बात ज्यादा आपसे कहना वो ये कि हमारे मुल्क में राजनारायण जैसे लोग मौजूद हैं जिनके जिनका शेर का दिल है और गांधी जी के तरीके, शेर का दिल और गांधी जी के तरीके, और जब तक ऐसे लोग हैं और उनकी तादाद जब तक बढ़ती रहेगी तब तक पूरे यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता लेकिन थोड़ा बहुत मुझको भरोसा है कि अपने मुल्क में तानाशाही का कायम होना मुश्किल है। लेकिन अब ये सारे जो एशिया और हिंदुस्तान की असलियत है उसके ऊपर पूरी तरह से ये निगाह जो डाल ही देना चाहिए। अच्छा, अब इसी के साथ साथ एक सवाल उठता है जो शुरू में मैंने उठाया था कि आखिर बात तो आधुनिकीकरण के बारे में जो कुछ यहां हुई
वो सही मालूम पड़े, लेकिन फिर किया क्या जाए? मुल्क को तो नया बनाना, पुराने खेती और कारखाने के ढंग तो बदलना, उस ढंग पर तो आप अपने मुल्क को या रंगीन और किसी रंगीन मुल्क को सुधार नहीं सकते, तो कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए? तो सबसे पहले मुझे ये कहना है कि जब तक रंगीन मुल्कों के पैदावार की बुनियाद का आधुनिकीकरण नहीं हो जाता, तब तक के लिए खपत के आधुनिकीकरण को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये एक बुनियादी बात है, जिसको कि जितना जल्दी हो सके और जितने ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सकें उतना अच्छा। चाहे हम देखने में गरीब हैं, चाहे हम बहुत बहुत हद तक विदेशियों के आंखों में पिछड़े हुए मुल्क बने रह जाए, और चाहे उसके साथ साथ हमारे कुछ लोगों को बहुत तकलीफ भी हो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि खपत के आधुनिकीकरण को जो इस वक्त चल रहा है बंद कर देना चाहिए। कोई मैं हमेशा के लिए बंद करने की मांग नहीं करता, जितने दिनों के लिए जरूरी हो, 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष के लिए बंद कर देना चाहिए, और जो रुपया बचता है और दूसरे तरह के भी रुपए, उससे पैदावार का आधुनिकीकरण करना चाहिए। लेकिन पैदावार के आधुनिकीकरण के बारे में भी मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल रूस और अमरीका की नकल नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नए ढंग की मशीनें ईजाद करना चाहिए। उस बहस में आज मुझे नहीं पढ़ना, खाली अंबर चरखा का जिक्र किए देता हूं, क्योंकि जो कुछ मैं उसके बारे में अभी तक समझ पाया हूं वो इतनी अच्छी चीज नहीं, लेकिन मैं जिक्र उसका सिर्फ इसलिए करता हूं कि उस बुनियाद के ऊपर नए ढंग की मशीनें और छोटी मशीनें तैयार करके रंगीन मुल्कों का आधुनिकीकरण होना चाहिए। तो ये पैदावार के आधुनिकीकरण का तरीका हो, खपत का आधुनिकीकरण बंद हो और पैदावार का आधुनिकीकरण भी रूस और अमरीका के तरीके पर न हो करके छोटी मशीन के तरीके पर हो, आज इससे कुछ नतीजे निकलेंगे। अब जैसे अपनी पंचवर्षीय योजना है, ये बिल्कुल निकम्मी और बेकार नहीं, 27 अरब रुपया हर साल अपनी सरकारें खर्च कर रही हैं, 27 अरब में से मैं समझता हूं कि 13-14 अरब रुपया खपत के आधुनिकीकरण के ऊपर खर्च हो जाया करता है। अब ये 13-14 अरब रुपया तो मिल जाता है और अच्छे काम के लिए, पहली चीज। अच्छा, और दूसरी चीज, जो बाकी 14-13 अरब रुपया पैदावार के आधुनिकीकरण पर खर्च होता है, उसमें भी आप देखोगे, अभी मैं आज ही मैं सुन रहा था कि कोई एक बांध है जिसके ऊपर 5 करोड़ रुपया खर्च किया गया, उसने कहां का काम बह गया, उसको अब देखने में भी नहीं दिखाई भी कहीं नहीं पड़ता। तो खैर वो चीज तो एक अलग रही, उसको उसके ऊपर भी आप ध्यान देना। तो इस पंचवर्षीय योजना को बिल्कुल बदल करके कुछ जरूरी काम उठाने चाहिए, जैसे एक अन्न सेना, दूसरे साक्षरता सेना, तीसरे पीने के साफ पानी का इंतजाम। अब ये तीन कितनी जरूरी चीजें हैं, ये उनका नाम लेने से आप समझ गए होंगे। गरीबी का दलदल पाटने के लिए पहली सबसे जरूरी सबसे मामूली सीढ़ी है कि अन्न की पैदावार बढ़ाओ, उसके बढ़ाने में अन्न सेना एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उसी तरह से कम से कम गह या अलिपे हिंदुस्तान की सब आबादी को पढ़ना सिखाओ, ये बहुत जरूरी हिस्सा है दिमाग के लिए। उसी तरह से सबको पीने का पानी साफ मिले, इसके लिए बंबे या कल न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में सब जगह लगा दिए जाएं। अब मैं अलग अलग आपको खर्चे नहीं बताता, इन तीनों पर कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में अगर ठीक योजना बनाई जाए तो कोई 30-35 अरब रुपए का खर्चा है। 10 साल की अगर योजना बनाई जाए, हर साल 3 अरब रुपया इसके ऊपर खर्च किया जाए, तो 10 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान का पेट भी भरे, सब लोग गठगरी पे जान जाए और सब लोगों को पानी पीने का साफ मिले। लेकिन ये क्यों नहीं हो पा रहा, उसका बिल्कुल अब तो आपको साफ नतीजा साफ कारण मालूम हो गया होगा, क्योंकि सरकार का मुंह और सभी राजनैतिक पार्टियों का मुंह यूरोप और अमेरिका के जैसे आधुनिकीकरण की तरफ लगा हुआ है। वो तो नकल करना चाहते हैं, वो तो लंदन पेरिस बनाना चाहते हैं, वो तो बंबई का कलकत्ता
के जो अच्छे मोहल्ले बसाना चाहते हैं, और अगर नकल भी करना चाहते हैं तो केवल बिट्स भरा या समझो समझो डोनेट बेसिन के जो बड़े कारखाने हैं उनकी नकल करना चाहते हैं। तो नतीजा ये होता है कि जिस सरकार और जिस मुल्क की राजनीतिक पार्टियों का मुंह इस ढंग के आधुनिकीकरण की तरफ लगा रहता है, जिसका नतीजा है कि बड़े लोगों की तरफ लगा रहता है। चाहे सरकार के या बड़े लोग चाहे व्यापार के, तो जिस सरकार और राजनीतिक पार्टी का मुंह सरकार और व्यापार के बड़े लोगों की तरफ लगा हुआ रहेगा वो 40 करोड़ की तरफ नहीं देख सकती, या पाकिस्तान के 10 करोड़ की तरफ नहीं देख सकती, या हिंद एशिया के 8 करोड़ की तरफ नहीं देख सकती। तो नतीजा यह होता है कि उसके दिमाग में अन्न सेना या साक्षरता सेना या पानी पीने का साफ पानी इसकी बातें आया ही नहीं करती। अब जैसे मिसाल के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले यहीं पर या और कहीं पे, कुछ दिनों क्या कोई साल दो साल पहले मैंने जिक्र किया था कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपनी नदियों में नहाते हैं, लेकिन उन नदियों में गंदा पानी जाके मिलता हो सकता है। आपने सिर्फ कुछ लोगों ने सोचा हो कि इनको न जाने क्या क्या चीजें पूजा करती, लेकिन खैर आपको इतनी बात बता दूं कि बहुत सोचने विचारने के बाद या शायद उन पर दबाव पड़ा हो, जो भी हो, अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी बनाई है कि किस तरह से नदियों को साफ किया जाए, क्योंकि शायद उनके समझ में आया होगा कि करोड़ों लोग ऐसे गंदे पानी को पीते हैं या उसमें नहाते हैं। लेकिन हमको अपने दिमाग खुले हुए रखना चाहिए। जब मैंने ये बात कही थी, हो सकता है कि कुछ मेरे ही लोगों ने समझा हो कि न जाने इनको क्या पूजा करता, तो असल में मुझको ये सब इसलिए पूजा करता है कि मैं करोड़ों की बात सोचता हूं और उसमें कोई अकल और दिमाग की जरूरत नहीं। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि ये जो आधुनिकीकरण का धंधा है, ये जो लालच है अमरीका और यूरोप के जैसे बन जाना और उनकी नकल करना, उससे कहीं आप अपना छुटकारा ले लो तो फिर नए ढंग से आप ये सब बातें सोच सकोगे। अब सवाल ये उठा सकते हैं आप लोग कि बात तो तुमने कही थी, लेकिन इसका इलाज क्या? देश में तो कई तरह की पार्टियां बनी हुई हैं, सब आपस में जुटे हुए हैं और सब सही बात कह करके आखिर एक चीज में तुम गलती कर जाते हो कि जो सरकार के खिलाफ पार्टियां हैं उनको इकट्ठा करके कोई मिल करके काम नहीं करते हो। ये बहुतों के दिमाग में सवाल रहता है। तो आज मुझे बहस के लिए इसका जवाब नहीं देना, बहस तो बहुत हो चुकी है, लेकिन एक ऐसा रास्ता निकालना है कि जिसमें पार्टियों को इकट्ठा करने की गंदगी और बुराई तो हो ना, लेकिन फिर भी जनता के लिए एक रास्ता मिल जाए कि वो अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए मिली हुई ताकत का इस्तेमाल कर सके। तो ये मैं सिर्फ रास्ता निकालने के लिए बता दूं कि क्या हो सकता है। ये शुरू में ही आपको बता दूं कि हरगिज कोई आदमी ये न सोचता है कि मैं हिंदुस्तान के राजनीतिक पार्टियों को किसी मोर्चे में, सम्मिलित मोर्चा या और कोई इकट्ठा करना चाहता हूं। जहां तक मैं सोच सकता हूं ऐसे काम को तो आखिर तक मैं बुरा समझूंगा, इसलिए उसका तो कोई सवाल उठता नहीं। ये सही है कि कुछ एक पुरानी बात आपको याद दिला दूं, जो साल डेढ़ साल पहले मैंने कही थी, जबकि कुछ पार्टियों ने एक सत्याग्रह अपने सत्याग्रह में हिस्सा लेने के लिए ऐलान किया था और उन्होंने कहा था कि सम्मिलित मोर्चा बनाओ। तब उस वक्त मैंने कहा था कि भाई सम्मिलित मोर्चा तो बनेगा नहीं, लेकिन आखिर को हफ्ते में 7 दिन होते हैं और अगर इतवार को छोड़ दो तो 6 दिन होते हैं। अगर तुम सरकार की नाइंसाफी से सचमुच घबरा गए हो तो फिर ऐसा करो कि 2-3 दिन तुम सत्याग्रह करो, 2-3 दिन हम सत्याग्रह करेंगे, झंडे अपने अलग रहेंगे, पार्टियां अपनी अलग रहेंगी, कार्यक्रम अपना अलग रहेगा, लेकिन उस नाइंसाफी के खिलाफ आखिर को जनता की मिलीजुली ताकत तो आई जाएगी। ये 1.5 बरस पहले मैंने कहा, तब वो लोगों को ये बात समझ में आई थी या समझ में भी आई होगी तो सोचा कि क्यों इस काम को करें।
अच्छा, अब की दफे आपने देखा होगा वो काम कम या ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ, क्योंकि उसके नतीजे खराब निकले, क्योंकि आपके को इन भाजियों को 10-15 दिन का खेल चलाना था, और उसके बाद जब मसूरी काम हो गया तो 5 सितंबर को लड़ाई का ऐलान किया और 25 सितंबर को लड़ाई का खात्मा भी कहा जाता और एक तरह का नाटक खेल दिया। तो फिर भी कम से कम वो शक्ल तो सामने आई कि कैसे अगर हम लोग फैसला कर लेते हैं सच्ची और मजबूत लड़ाई लड़ने का तो बिना सम्मिलित मोर्चा के कायम किए हुए भी मिलजुल के लड़ सकते हैं। ये चीज सामने आई। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि दो चीजों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता जो कि लूट खसोट और जुल्म और अन्याय से बिल्कुल घबरा गई है या तंग आ गई है अपनी मिली हुई ताकत से लड़ सकती। एक तो मैं दामों के बारे में कहूंगा, अनाज का दाम, कपड़े का दाम, चीनी का दाम, उसके बारे में लंबा किस्सा आज सुनाना नहीं है, आप लोग जानते हैं। सिर्फ उतूल बता देता हूं कि कारखाने की बनी हुई चीजों का दाम लागत के दाम से कभी भी जोड़े से ज्यादा बिक्री करते वक्त नहीं होना चाहिए। जैसे 8 आने देर में चीनी बनती है तो 12 आने देर में चीनी बाजार में बिकनी चाहिए, उससे ज्यादा कभी होना नहीं चाहिए। उसी तरह से अनाज का दाम, चावल गेहूं वगैरह का, फसल के समय जो हो दूसरी फसल आने तक कभी भी 1 आने देर से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। ये दो उसूल मैंने आपको बता दिए। इसी तरह से एक आधा उसूल हो सकते हैं, हो सकता है कि इनके बारे में बहस मुबाजे की जरूरत हो तो लोग आए बैठे करें, लेकिन फिलहाल मुझे ये कहना है कि दाम के उन उसूलों को लेकर के जिले जिले में, शहर शहर में, यहां तक तालुके तालुके में कमेटियां कायम की जाएं, जनता की कमेटियां, जो इन उसूलों को माने वो इन कमेटियों में आए। इसके ये मानी नहीं है कि पार्टियों के नुमाइंदा आए, कांग्रेस के या जनसंघ के या कम्युनिस्ट के या प्रजा के, क्योंकि वो अगर आए तब तो खिचड़ी बन जाएगी। असल में कोशिश ये की जाए कि तबकों के नुमाइंदा हैं, कुलियों के, पल्लेदारों के, व्यापारियों के, विद्यार्थियों के, और उसके साथ साथ जब इन तबकों के नुमाइंदा या मोहल्लों के नुमाइंदा आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनमें से कोई कांग्रेसी होगा, कोई कम्युनिस्ट होगा, कोई जनसंघी होगा, अगर इन उसूलों को मानते हैं तो। सबसे बड़ी बात यह होगी कि पार्टियों के अलावा जो एक बहुत बड़ी जनता आज अपने मुल्क में है, जिसे पार्टियों से मतलब नहीं, जो किसी की मेंबरी नहीं करती, उनको भी एक मौका मिलेगा कि अगर इन मामलों से वो परेशान है तो फिर ऐसे कमेटियों के काम में दिलचस्पी लें और उनको आगे बढ़ाएं। अच्छा, अब मैं दोबारा कह देता हूं कि ये पार्टियों के सम्मिलित मोर्चे से कोई ताल्लुक नहीं रखता, ये तो सिर्फ दाम को बांधने का उसूल मानने वालों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव, और ये कमेटियां सभा करें, प्रदर्शन करें, लोगों का दिमाग बदलें, जरूरत हो तो कल मेंबर वगैरह भी बनाएं और अपना काम आगे बढ़ाएं। क्योंकि मुझे ये साफ तौर से कह देना है कि हिंदुस्तान में अब तक सिर्फ कुछ मजदूरों और सरकारी नौकरों के लिए पे कमीशन यानी तनख्वाह कमीशन बैठाई जाती है, जो कि महंगाई को देखते हुए 4-5-10 रुपए महंगाई का भत्ता महीने का दे दिया करती है, तो उससे काम होने वाला है, उन मजदूरों का भी काम नहीं होगा, उन सरकारी नौकरों का भी काम नहीं होगा, और जो करोड़ों के तादाद में खपत करने वाली जनता, उनका काम तो हरगिज नहीं होगा, जो हम लोग दिन रात चीजें खरीदते रहते हैं। इसलिए तनख्वाह कमीशन के अलावा और उससे कहीं ज्यादा बढ़ करके दाम कमीशन की बात हमको उठाना चाहिए, वो तो सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए, जोर देना चाहिए, मुमकिन है इसके लिए आगे चल करके लड़ाइयां भी लड़नी पड़े, लेकिन फिलहाल तो ऐसी कमेटियां बना करके लोगों में एक उत्तेजना, सोचना, विचारना, आंदोलन करने का प्रवाह कायम करना चाहिए। एक तो ये चीज है। उसी तरह से दूसरी चीज मुझे कहना है कि ये तो देश की बात हुई ना, दाम वाली, जिसका कि सचमुच अकाल से भी बहुत इस वक्त ताल्लुक हो गया, उसी तरह से इस संबंध में एक मोदी की बात मैं आपसे कह दूं कि हम कितना नीचे गिर गए हैं, यानी सभी लोग जो कि दिमाग से कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक रखते हैं, इसी से साबित हो जाता है कि जब मैंने एक प्रस्ताव रखा कि भूखे लोग और भूखों की परिभाषा कर दी, जिनको कि 2 दिन में 1 दफे भोजन मिलता है या उससे भी कम,
ऐसे भूखे लोगों के लिए मुफ्त रसोई खोलना चाहिए। तो यानी खाने वालों को तो कौन कहे, खुद भूखों के समझ में नहीं आया कि ये तो मुल्क में एक भीख मांगने की आदत को फैलावा और बढ़ावा दे रहे हैं, ये हमारी गिरावट का सबूत है। क्योंकि जो मुल्क 27 अरब रुपया हर साल सरकार की तरफ से खर्च करता है, वो अकाल के मौके पर 2 या 3 अरब रुपया अगर लोगों का पेट भरने के लिए खर्च करे तो बड़ी बात नहीं, वो बहुत मामूली बात, मामूली सभ्यता की बात है, समाजवाद की बात नहीं, लोकतंत्र की बात नहीं, मामूली सभ्यता की बात है। लेकिन इस मामूली सभ्यता को भी लोगों तक पहुंचाने में मुझको कितनी दिक्कत हो रही, वो आप देख रहे हैं, ये गिरावट की निशानी है। क्योंकि आज मुल्क चला गया है ऐसे दिमाग के हाथों में, ऐसे सोचने के तरीके के हाथों में कि जिसमें करोड़ों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं रह गई, वो चाहे खत्म हो, मिटे, जाए, जो कुछ हो, लेकिन उनके आधुनिकीकरण का सपना पूरा होना चाहिए। इसलिए एक छोटी सी चीज भी समझने में कितनी मुश्किल हो रही है। और इससे सिर्फ इतना ही सिर्फ आपको बता दूं कि समाजवादी तो खैर छोड़ ही दो, जनतंत्र के मानने वाले भी और जो इंसान है, आदमी है, वो कैसे इस पर बहस छेड़ सकता है कि भूख से मरने वाले लोगों के लिए मुफ्त लंगर खोले जाएं, ये मेरे हर के समझ में नहीं आता। आखिर वो मुफ्त लंगर कोई किसी आदमी के पास के पैसे से थोड़ी खोले जा रहे हैं, वो तो सरकार के टैक्स से खोले जा रहे हैं ना, और सरकार का टैक्स है किसका, जनता ही देती है ना उसको, लेकिन उसके ऊपर कितनी दिक्कत हो रही। अच्छा, उसी तरह से अब मैं दूसरी बात कर देता हूं, वो है भाषा को लेकर कि हिंदुस्तान से अंग्रेजी का इस्तेमाल, सार्वजनिक इस्तेमाल जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि 1965 में खत्म करें, मैं साफ आपसे कह देना चाहता हूं कि उसका इस्तेमाल या तो आज आप खत्म करते हो, वरना कल खत्म कर नहीं पाओगे, वो कल तो कभी आएगा नहीं। जैसे तारीख में बांधोगे, 65 बांधोगे तो फिर सवाल उठेगा 70 बनाओ, 60 बांधोगे तो सवाल उठेगा 62 बनाओ। ये तारीखें बांधने का मसला ऐसे चीज को लेकर के हमेशा मुलतवी करने का तरीका हुआ करता है। और राजा गोपालाचारी जैसे साहब तो मैं समझता हूं इतने दुश्मन नहीं, किसी मानी में दोस्त, क्योंकि वो साफ बोलते हैं, और जब आदमी साफ बोलता है तो उसको पहचाना जा सकता है। वो अंग्रेजी के हिमायती, वो कहते हैं कि अंग्रेजी हिंदुस्तान में रहनी चाहिए, तो साफ बोलते हैं, जनता उनको पहचान सकती कि भाई ये तो दुश्मन है, इसलिए वो ज्यादा खतरा नहीं पैदा करता। लेकिन नेहरू साहब जैसे लोग जो साफ नहीं बोलते और जो कहते हैं कि अंग्रेजी हटनी तो जरूर चाहिए लेकिन धीरे धीरे हटनी चाहिए, वो मित्र रूप में शत्रु है। और जो मित्र रूप में शत्रु होता है वो कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, यानी बस शत्रु को तो पहचान लेते हो, दुश्मन है उसको तो आसानी से हरा सकते हो, लेकिन जो दोस्त बन के दुश्मन आता है वो तो बिल्कुल पटरा कर दिया करता है। इसलिए जबान के मामले में अब बिल्कुल खबरदार हो जाना चाहिए। और अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल जब तक है तब तक हिंदुस्तान में लोकशाही का कायम होना नामुमकिन है, ये बात भी समझ लेना चाहिए। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि इसके लिए भी सबक बताने पड़ते हैं। और आम जनता को, क्योंकि आम जनता के दिमाग में एक जहर डाल दिया गया है कि अंग्रेजी को हटाने वाले लोग जो आखिर को हिंदी के आदमी हैं, और मान लो जैसे ये तेलुगु का इलाका है, यहां पर इस जहर को फैलाने में कुछ आसानी होती है कि भाई जो हिंदी का हिमायती है वो तो असल में तेलुगु का दुश्मन हो गया, अंग्रेजी को हटाता, हिंदी को उसकी जगह मिलाता, जिसके मतलब होते हैं कि तेलुगु तो पीछे रह गए। तो यहां पे मैं आपसे साफ कह देना चाहता हूं कि मेरे जैसे आदमी को कतई एक मिनट के लिए चिंता नहीं कि हिंदी आती है या नहीं आती, फिलहाल चिंता नहीं। ये दूसरी बात है कि मैं मानता हूं
कि अगले 10, 20, 30 बरस में तो वो आके रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, इसलिए उसके बारे में मुझको कोई चिंता है ही नहीं। फिलहाल तो मेरे लिए एक ही चिंता कि अंग्रेजी जाए और पूरी तरह से जाए और उसकी जगह तेलुगु के इलाके में पूरी तरह से तेलुगु आए, ये चिंता हो जानी चाहिए। और जो लोग अंग्रेजी के हिमायती हैं, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि वो हिंदी के दुश्मन नहीं है बल्कि वो तेलुगु के दुश्मन है। क्यों नहीं, क्यों नहीं वो लोग जो हिंदुस्तान में हिंदी या तेलुगु के इलाके में या तमिल के इलाके में हिंदी को नहीं आने देना चाहते, क्यों नहीं वो लोग उसी ताकत के साथ इसकी कोशिश करते कि तमिल इलाके में पूरी तरह से तमिल आ जाए और तेलुगु इलाके में पूरी तरह से तेलुगु आ जाए। ये एक बहुत ही अलग की बात है। अच्छा, उनका मैं आपको सबक बता दूं क्यों नहीं वो करते। असल में तो ये जितने सियासी पार्टियों के नेता, जिस किसी पार्टी के नेता हों, सब किसी हद तक अपनी सोशलिस्ट पार्टी इस मामले में बदली, क्योंकि पिछली दफे भी जो सबसे बड़ी कार्यकारिणी के चुनाव हुए उनमें से 25 आदमियों में से 14 आदमी उन तबकों में से आए हैं जो मैं अक्सर कहा करता हूं औरत, शूद्र, हरिजन, मुसलमान या ईसाई या आदिवासी, जो हिंदुस्तान की पिछले कई हजार बरस से दबी हुई जातियां या दबे हुए तबके हैं उनमें से 14 है और बाकी जो ऊंची जातियां उनमें से 11 है। और ये मैं आपसे कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की जितनी और सियासी पार्टियां सब में ऊंची जातियों वाले 20 मिलेंगे और सभी ऊंची जातियों वाले 5 मिलेंगे। ये सबसे बड़ी जो कमेटी होती है उसका मैंने आपको हाल बताया। तो इसीलिए और ये एक तो जात नीति, दूसरे भाषा नीति, पेट नीति, अकाल नीति वगैरह के मामले में जब मैं सब पार्टियां कहता हूं तो जाहिर बात है कि सोशलिस्ट पार्टी को थोड़ी देर के लिए आप अलग रखना, वो कि अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि नीति चाहे जितनी ठीक हो लेकिन अभी इतनी ताकत नहीं हो पाई है कि उन नीतियों की छाप मुल्क के ऊपर वो डाल सके। खैर, और जितनी सब पार्टियां हैं उनके नेता कौन है? लोग के नहीं। अपने मुल्क में हमेशा एक बंटवारा रहा है, एक तरफ लोकभूषा, दूसरी तरफ सामंत भूषा, एक तरफ लोक भोजन, दूसरी तरफ सामंत भोजन, एक तरफ लोक भाषा और दूसरी तरफ सामंत भाषा, एक तरफ लोक भवन और दूसरी तरफ सामंत भवन। ये 1500 बरस से फर्क रहा है, 1500 बरस। सामंत भाषा का इस्तेमाल हिंदुस्तान में पिछले 1500 बरस से होता आ रहा है। उस सामंत भाषा की शक्ल आज अंग्रेजी, 200 बरस पहले फारसी थी, 800 बरस पहले या 700 बरस पहले अरबी रही होगी और 1000-1500 बरस पहले संस्कृत थी। तो आपने याद रखना कि मेरा मतलब देशी विदेशी से नहीं, संस्कृत देशी है और संस्कृत से हमको बहुत कुछ सीखना है क्योंकि वो हमारी जड़ है, हमारी मां है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ समझ लेना चाहिए कि आज हिंदुस्तान में जो लोग अंग्रेजी को हटा करके देशी संस्कृत को लाना चाहते हैं वो वही सामंती हमेशा ऐसी भाषा की उनको पिता रहती है कि जो सिर्फ 4-5 लाख आदमियों की हो, जिसमें वो बाकी 40 करोड़ को लूटने, खसोटने, जुल्म करने का काम अपना अच्छी तरह से चला सके। असल में तबियत क्या है कि ऐसी एक भाषा रखो जिसको कम लोग जानते हो, जिसमें हमारा काम आसानी से चल सके। अच्छा, अब इसके साथ साथ लंबी बहस न करके आप एक अपनी तरह से सोच लेना कि 40 करोड़ के ऊपर 5-10 लाख सामंती लोग या 8-10 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर 2-3 लाख सामंती लोग अपनी हुकूमत कैसे चला पाते? बंदूक के जरिए। ये बात सही, लेकिन बंदूक का इस्तेमाल रूस तो होता क्योंकि बहुत ज्यादा होता है, ये सही, रंगीन मुल्कों में ज्यादा होता है बनिस्पत गोरे मुल्कों में, गांधी जी के मुल्क में ज्यादा होता है बनिस्पत उन मुल्कों में जहां धर्म और अध्यात्म और आत्मा की इतनी चर्चा नहीं हुआ करती, लेकिन फिर भी बंदूक का इस्तेमाल रोज तो नहीं होता। तो फिर कैसे 40 करोड़ के ऊपर 4-5-10 लाख सामंत लोग अपना राज चलाते? उनका सबसे बड़ा तरीका है कि गरीब और साधारण और सभी लोगों के मन में एक हीन भावना पैदा करते कि हम राज चलाने के लायक हैं। हम न वो कपड़ा पहनते न हम वो जबान जानते हैं कि जिससे राज चला सके। राज चलाने का काम तो भाई उनका है जो अंग्रेजी जानते हैं, हम तो नहीं चला सकते। यहां तक है कि राज चलाने को तो कौन कहे,
अगर राज की किसी नाइंसाफी से लड़ने का भी सवाल उठता है तो जो तेलुगु वाला आदमी है और जो हिंदी वाला आदमी जो अंग्रेजी नहीं जानता वो बेचारा दिल खाम के बैठ जाता है, कहता हम कैसे इस जुल्म से लड़ेंगे, हम तो अंग्रेजी जानते नहीं। जुल्म से लड़ने के लिए भी अंग्रेजी जानना जरूरी हो गया। अगर कोई मजदूरों की ट्रेड यूनियन बनती है तो उसे भी चिट्ठी लिखनी पड़ती है सरकार को अंग्रेजी से। अब देखो आप कैसी हालत अपने मुल्क की पैदा कर दी है कि हर गरीब आदमी के मन में यह ख्याल पैदा कर दिया है कि वो ऊंचे काम के लायक नहीं, राज चलाने के लायक नहीं, राजनीति उससे अलग है। जब तक वो अंग्रेजी नहीं जानता या चूड़ीदार पजामा नहीं पहनता या कोट टाई नहीं लगाता तब तक वो राज से दूर रहे, ऐसी एक भावना उसके मन के अंदर पैदा करनी है। उस भावना को खत्म करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि हिंदुस्तान में लोक भाषाओं को लाने का काम शीघ्र जल्दी से, यानी ऐसा करना चाहिए कि जो आदमी इकट्ठा हो वो कहे आज लाओ, कल नहीं आज लाओ। तेलुगु इलाके में तेलुगु को यहाँ के राज की भाषा की तरह से इस्तेमाल करो, स्कूल की भाषा, कॉलेज की भाषा, फिर अदालतों की भाषा, फिर ये विधानसभा की भाषा। हाँ, उसके साथ साथ मैं एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उर्दू का भी साथ साथ इस्तेमाल होना जरूरी होगा। कहीं आप कुछ इस मामले में इतना याद रखना कि लोक भाषाएं जितनी भी जहां की हों सबके लिए मैं कह रहा हूँ। मिसाल के लिए सिर्फ तेलुगु का नाम ले देता हूँ, ये नतीजा कहीं नहीं निकाल लेना कि सिर्फ उसी के लिए कह रहा हूँ। जो भी लोक भाषाएं हैं करोड़ों की हैं उनका सार्वजनिक इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके लिए कमेटियां बनाओ, इन कमेटियों में ताकत वाले लोग भी लाना। कौन लोग? अब जैसे मिसाल के लिए मैं बताऊं, तालिबे विद्यार्थी जो अंग्रेजी में फेल करते या जो अंग्रेजी में बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं, बुद्धिमान पढ़ लिख सकते, अगर उनको अपनी जबान में पढ़ाया लिखाया जाए तो शायद मुल्क के लिए भी वो बहुत फायदेमंद साबित हों, लेकिन अंग्रेजी के पत्थर से उनकी छाती एकदम से दब जाया करती तो क्यों ये पत्थर रखा जाए? इन लोगों को मौका दो, आंदोलन में शरीक उनकी आग। और मैं समझ सकता हूं वो विद्यार्थी जो अंग्रेजी में फेल करता और इसलिए अपनी क्लास में ऊंचा नहीं पढ़ पाता, उसके दिल में तो अंग्रेजी के खिलाफ एक आग होगी, और मैं कहता हूं वो पवित्र आग है, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। स्कूल में और कॉलेज में उन मास्टरों का पढ़ाना बंद कर देना चाहिए जो भूगोल या इतिहास या रसायन शास्त्र अंग्रेजी के माध्यम में पढ़ाते हैं। उन्हें कहना चाहिए कि तुम हैदराबाद में या तो तेलुगु में पढ़ाओ या उर्दू में पढ़ाओ। मैं हिंदी का इस वर्गीकरण नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो ये कहने के लिए तैयार हूं कि अगर किसी इलाके के लोग हिंदी मुर्दाबाद कहना चाहते हैं और उसके साथ साथ वो अंग्रेजी मुर्दाबाद कहते हैं तो मैं उनको गले भाई की तरह मिला दूंगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज हिंदी मुर्दाबाद कहते हैं और उसके साथ साथ अंग्रेजी मुर्दाबाद नहीं कहते, वो चाहे तमिल के हैं तो उसका साफ मतलब है तमिल मुर्दाबाद, और अगर तेलुगु के हैं तो साफ मतलब है तेलुगु मुर्दाबाद। और ऐसे लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से आप पहचान लेना। वो चाहे जो बड़ी शक्ल में आपके पास आएंगे, बड़े सुनहले रुमालने और लुभावने कपड़े पहन करके आएंगे, उनको पहचानने में दिक्कत होगी। तो खैर, अब ये सिद्धांत जब आपने मान लिया तो ऐसी कमेटी बनाना चाहिए, सब तरह के लोग आए, सब तबके के लोग आए जो इस उसूल को मानते हो कि अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल तत्काल खत्म होना चाहिए। अब मैं बहस भी नहीं पढ़ता हूं कि क्या हमारे यहां उतने शब्द हैं, क्या हमारी जबानें उतनी पकी हुई हैं, ये बिल्कुल झूठी बात है। सिर्फ इतना ही आप याद रखो कि अगर रूस ने 40 बरस पहले अंग्रेजी में अपना विज्ञान पढ़ाया होता लड़कों को और मास्टरों ने अंग्रेजी में अपना विज्ञान का काम किया होता तो स्पुतनिक हरगिज नहीं बन पाता, क्योंकि विदेशी भाषा के माध्यम से विषय ज्ञान नहीं हुआ करता है। हरगिज होता क्या है, एक मामूली खराब भाषा ज्ञान हो जाता है, विषय ज्ञान नहीं होता। और आज जो हमारी दिमागी गिरावट है इसका सबसे बड़ा सबब है कि हम विषय ज्ञान की तरफ नहीं जाते, एक नकली और झूठे भाषा ज्ञान की तरफ चल पड़ते। तो ऐसी कमेटी बनाओ, भाषा की कमेटियां ये जगह जगह बनी। अगर ये दो कमेटियां एक अपने पूरी ताकत के साथ खड़ी होती, लोग आते इनके पीछे, इनकी बड़ी बड़ी सभाएं होती, इनके प्रदर्शन निकलते और इनमें सभी तरह के लोग आते, चाहे उनके सोचने के ढंग और दूसरे राजनीतिक संगठन कोई भी क्यों न हो। अब जैसे मान लो कहीं कोई विद्यार्थी या दुकानदार या कुलियों का नुमाइंदा जो कि इस उसूल को दाम बांधो वाले को या भाषा वाले को मानते कमेटी में आते, मुझे इससे मतलब नहीं कि वो कम्युनिस्ट हैं या कांग्रेसी हैं या जनसंघी, आते हैं बड़ा अच्छा,
जो कि मुमकिन है कि अपने साथ साथ वो एक ताकत को लेके आए, लेकिन उसूल को मानते हो तो आए, और इसलिए ना आए कि वो कम्युनिस्ट या वो प्रजा, इसलिए आए कि वो उसूल को मानते हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि ऐसे लोग आए जो किसी पार्टी में नहीं, जो आज हिंदुस्तान की मुसीबत और जुल्म से बिल्कुल घबरा गए हैं, पिस रहे हैं, वो लोग आए जो किसी पार्टी में नहीं, जो राजनीति में नहीं, तो फिर मुमकिन है कि हिंदुस्तान में एक बड़ी बड़ी और अच्छे ढंग की राजनीति को फैलाव का मौका मिलेगा। आप लोग अगर अपने इलाके में कुछ इन दो चीजों के बारे में कर सकते हो तो कर सकते। अब मैं एक सवाल को थोड़ा सा उठाए देता हूं कि जो अपनी पार्टी के बारे में है, अगर ये दो काम में से कोई काम किसी इलाके में हो गया तो बड़ा ही अच्छा होगा कि कुछ अपने बारे में बाहरी लोगों को गलतफहमी सी हो गई, इसलिए कि 1957 के चुनाव में सिर्फ हिंदुस्तान भर में 300 जगहों पर चुनाव लड़ा गया है। आप याद रखना कि 3,500 जगह हैं सब चुनाव, 300 जगहों पर चुनाव लड़ा गया। क्यों लड़ा गया तो आप जानते हो, क्योंकि कुछ कायदे कानून सोशलिस्ट पार्टी ने बनाए, सोशलिस्ट पार्टी ने अपने हाथ पैर खुद अपने कानून से बांध के रखे, इसलिए सिर्फ 300-350 जगहों पर वो लड़े। और जो दूसरी पार्टियां जैसे प्रजा पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या जनसंघ, ये 1,000-1,500 जगहों पर लड़ी। अब ये सवाल तो उठाना फिजूल है कि अगर सोशलिस्ट पार्टी भी 1,500 जगहों पर लड़ी होती तो कहां गई होती, या अगर इसने भी वैसी सौदेबाजियां की होती जैसा कि समझ लो बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ तो इसके कितने असेंबली और पार्लियामेंट के प्रतिनिधि चुने गए होते, ये तो फिजूल। अभी सिर्फ आप उसकी तरफ ख्याल रखो कि सोशलिस्ट पार्टी ने कुछ कायदे कानून बना के अपने हाथों से अपनी आजादी को रोक करके रखा। जो लोग पार्टियों के ताकत वगैरह पर सोच विचार किया करते हैं उन्हें इस चीज को भूल नहीं जाना चाहिए। ये हमारे खुद के कायदे कानून, हमने खुद अपने हाथ पैर को बांध के रखा। अब या तो ये हो सकता है कि ये कायदे कानून इतने पूरे हो जाएं कि अगली दफे जब चुनाव आए तो 1,000-1,500 जगहों पर लड़े, या ये हो सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी की कुछ दोस्त संस्थाएं ऐसी बन जाए कि उनकी तरफ से काफी लोग चुनाव लड़े, या और भी कोई तरीके निकल सकते हैं कि जिससे सोशलिस्ट पार्टी के अगले चुनाव में 300 या 500 नहीं बल्कि 1,000-1,500-2,000 आदमी मैदान में आए। तो इसलिए लोगों को बहुत जल्दी कुछ अपना सोच विचार करके, ये जो मान लो प्रजा वाले लोग हैं या कम्युनिस्ट लोग हैं, मगन हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये पार्टी तो चुनाव लड़ेगी नहीं, बहुत कम आदमियों का चुनाव लड़ेगी, तो उनको इतना ज्यादा मगन भी नहीं हो जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो साधारण जनता है उसको भी ये सोच के चलना चाहिए कि आखिर इन कायदे कानूनों के रहते हुए भी शर्तें पूरी हो सकती, चुनाव ज्यादा लड़े जा सकते, या कुछ दोस्त संस्थाएं बन सकती, ऐसी सूरत पैदा हो सकती। हर हालत में एक चीज तो आपको याद करके रखना कि सिद्धांत जितने जरूरी हैं उतने ही कायदे कानून जरूरी हैं। और आज हिंदुस्तान के राजनैतिक जीवन में दोनों की सख्त जरूरत है। अब जैसे मिसाल के लिए मैं आपको बताऊं, सिद्धांत है लोकशाही, जनतंत्र। अब ये तो एक सोचने का तरीका, एक बिल्कुल व्यापक दिमाग का ढंग है लोकशाही कि जनता अपनी हुकूमत चलाए। लेकिन जब तक इस सिद्धांत से कुछ कायदे कानून नियम हम लोग नहीं निकालते तब तक सिद्धांत का कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे कायदा कानून एक मैं आपको बताऊं कि अगर लोकशाही का सिद्धांत मान लेते हो तो एक कायदा बन जाना चाहिए कि जो लोग किसी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में हारे हुए हों वो पिछले दरवाजे राज्यसभा में ना आए। ये एक कानून हो गया, कायदा हो गया। लोकसभा यानी वो जमहूरियत का, प्रजातंत्र का सिद्धांत, अगर उस सिद्धांत को खाली हवा में मान लेते उससे कुछ कायदे कानून बनाते नहीं हो तब तो वो फिजूल सी चीज है। वो तो जैसे सुबह के पहले आधे घंटे के लिए किसी मूर्ति के सामने या किसी मस्जिद में जाके पूजा पाठ कर दिया या नमाज पढ़ लिया और फिर उसके बाद सारे दिन अपना पाप करते रह गए। उस सिद्धांत का मतलब तभी निकल सकता है जब उसके मुताबिक कुछ कायदे कानून बने।
और उस कायदे कानून पर चलो। तो ये तभी आप मेरे कहने से नतीजा न निकाल लेना कि बिना कायदे कानून की पार्टी हिंदुस्तान में बनाने का कोई नतीजा निकलेगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि कायदे कानून वाली पार्टी रहते हुए भी ये शक्ल पैदा हो सकती है कि अगले चुनाव तक 1,000-1,500 सीटों पर लड़ लिया जाए। तो इसलिए जरा ये भी दिमाग में रखना। अब आखिर में खाली एक चीज, वो जो अपक्ष लोकशाही की चल पड़ी थी पार्टियों के बारे में, मेरी भी राय कोई अच्छी नहीं है, लेकिन एक बात साफ बता देना चाहता हूं कि जो लोग बिना पार्टी की लोकशाही कायम करना चाहते हैं, अगर वो सच्चे हैं, तो उन्हें एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए कि जो प्रण करें, हमेशा के लिए वादा करें कि हम कभी भी सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भी सरकार हो उसका जब कभी जुल्म हो उससे लड़ेंगे, उसको टंगड़ी मारेंगे। खुद सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन जो सरकार बनेगी उसको टंगड़ी मारेंगे। अगर श्री विनोबा भावे सचमुच दुनिया में कोई अपक्ष लोकशाही कायम करना चाहते हैं या उनके जैसे लोग, तो उन्हें एक ऐसी पार्टी बनाना चाहिए। मुझमें तो हिम्मत नहीं है कि मैं अब उस पार्टी को बना पाऊं, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसी पार्टी कभी बनी तो मेरे जैसे लोग जरूर उसमें मदद करेंगे। ऐसी पार्टी की जो 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 कसम खा ले कि हम कभी सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन जो भी सरकार होगी उसको डंडी मारेंगे जब वो जरूर करेंगे। अब आप एक चीज का जरूर सामना करना जो आम तौर से लोगों में फैली हुई है, वो ये कि किस पार्टी का भरोसा करें। गद्दी पर बैठने के पहले तो सभी त्यागी होते हैं और गद्दी पर बैठने के बाद भोगी बन जाया करते हैं। देखो ना, कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू गद्दी पर बैठने के पहले तो त्यागी थे, बाद में तो भोगी बने। तो मैं इस बात को मानता हूं, गद्दी एक जगह ही ऐसी, उसमें जो बैठता वो कम या ज्यादा भोगी बन जाता है। याद रखना मैंने क्या कहा, कम या ज्यादा। मौजूदा सरकार ज्यादा भोगी बन गई, राक्षस के जैसा भोगी बन गई। अब हमारा काम यह है कि आगे जो सरकारें आए उनको कम भोगी बनने दे, ज्यादा नहीं। तो कैसे हो सकता है? एक तो अंतःकरण की लगाम लगे, खुद आदमी अपने दिल की लगाम लगाए, और दूसरी लगाम होती जनता की। और वो लगाम कैसे लग सकती? कि आप अपने में भरोसा करो। मैं नहीं कहता कि आप किसी पार्टी में भरोसा करो, अपने में भरोसा करो। हिंदुस्तान की सामान्य जनता, मामूली लोग अपने में भरोसा करना शुरू करें कि कल कांग्रेसी सरकार, कल तो अंग्रेजी राज था, वो पाजी बन गया, उसको खत्म किया। आज कांग्रेसी सरकार, ये पाजी बन गई, इसको खत्म करेंगे। कल मान लो कम्युनिस्ट सरकार बनेगी, वो पाजी बनेगी, उसको खत्म करेंगे। परसों सोशलिस्ट सरकार बनेगी, मान लो वो पाजी बनी, उसको भी खत्म करेंगे। जिस तरह से कवे के ऊपर रोटी उलटते पलटते देख लेते हैं, उसी तरह से हिंदुस्तान की सरकार को उलटते पलटते ईमानदार बना के छोड़ेंगे। ये भरोसा हिंदुस्तान की जनता में अगर आ जाए किसी तरह से, तो फिर देखो रंग आ जाएगा अपनी राजनीति। हो सकता है कि इस उलटने पलटने को कुछ लोग पाकिस्तान का समझ बैठे, कि वहां भी तो बड़ी उलट पलट रखकर थी। तो मैं आपको पहले से कह देता हूं, वो उलट पलट नहीं, वो तो अदला बदली है। जब चोर या डाकू अपने लूट का माल आपस में ठीक तरह से बांट नहीं पाते हैं, तो अपने मुखिया को, सरदार को बदला करते हैं। ऐसी अदला बदली तो और जगह भी हुई है, हिंदुस्तान में भी हुई है। अब जैसे मान लो राजस्थान में तो चार तरह की अदला बदली हो चुकी, कभी व्यास साहब थे, फिर पालीवाल साहब थे, फिर शास्त्री साहब थे, अब सुखारिया साहब है, अदला बदली हो गई। और दिल्ली में अदला बदली होने का मौका नहीं आता, क्योंकि वहां का आदमी बड़ा मदारी है, बड़ा चतुर है। जब कभी वो मौका सामने आने लगता तो वो पहले ही से कुर्ता छाल के अलग खड़ा हो जाता कि मैं चला भाई, अब तुम अपना काम करा दो। और फिर लोग उसके पास जाके कहते हैं, बबुआ मान जाओ, अभी रह जाओ, अभी मत जाओ, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। तो इस तरह वो मदारी तो किसी तरह बच जाया करता है। लेकिन फर्क समझ लेना चाहिए, अदला बदली में और उलट पलट में जमीन आसमान का फर्क। मैंने उलट पलट की बात कही, उलट पलट तब हुआ करती है जब जनता अपने वोट अथवा सत्याग्रह के जरिए किसी सरकार को पलट देती है, बदल देती है, दूसरी सरकार को कायम करती है।
और इसी उलट पुलट के बारे में आप यकीन रखो कि जब कभी कोई सरकार पार्टी बनेगी, जब कभी कोई भी राजनीतिक पार्टी पार्टी बनेगी, उसको उलट करके एक दूसरी सरकार और दूसरी पार्टी को हम कायम करेंगे और इस सिलसिले को तब तक जारी रखेंगे जब तक हिन्दुस्तान में एक ईमानदार और लोगों की सरकार नहीं बन जाती। तब तक ये यकीन और भरोसा लेकर के अगर आप लोग काम कुछ आगे बढ़ाते हो, और खासतौर से जो मैंने आज कहा उन दो चीजों के बारे में, एक तो दाम बांधने के बारे में और एक जबान के बारे में, तो मैं समझता हूं कि शायद कुछ अच्छाई इससे निकल पाए। बता तो मुझे आप देखने का।